Audio Jungle. Hello guys, welcome to KS Academy. आज हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल यानी कि ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला की. ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला की बात करने से पहले हम कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज जान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स की, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर. कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 8080, हाइड्रोजन की होती है 34500, सल्फर की होती है 2240 किलो कैलोरीज पर केजी. हम मोस्टली इन्हीं की क्यों जानते हैं, क्योंकि जो फ्यूल होता है फ्यूल में मेनली यही तीन प्रेजेंट होती हैं और यही तीन हम बर्न करके उसकी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करती हैं, इसलिए हम इन तीन की जानते हैं. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा उनमें, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट कर देगा उसके साथ कंबाइन होके. तो अब टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल क्या बच जाएगा हमारे पास? अगर जो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन है उसमें से कुछ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बन गया है, पानी बन गया है, तो वो हाइड्रोजन चला गया है. अब वो हाइड्रोजन हमारे कंबशन में यूज़ नहीं होगा, वो पानी बन चुका है. तो जो हाइड्रोजन बचा वही हमें कैलोरीफिक वैल्यू देगा उस फ्यूल की. तो वही चीज़ है, तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस H2 कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इस चीज़ को हम बोलते हैं फिक्स्ड हाइड्रोजन. क्या बोलते हैं इस चीज़ को? फिक्स्ड हाइड्रोजन. इस इक्वेशन से साफ पता चलता है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 1 ग्राम ऑफ H2O देता है. ये हमारी नॉर्मल जनरल इक्वेशन है, जनरल रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. तो 8 parts बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 part बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन. तो फिक्स्ड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल. ओके, ये हो जाएगा. तो अवेलेबल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1/8 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन. मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह हमने 1/8 मास ऑफ ऑक्सीजन रख दिया. तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल हाइड्रोजन अवेलेबल की, H माइनस. ये जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8. तो अब हमारे पास GCV की वैल्यू क्या हो जाएगी? GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वन बाय 100 8080 सी प्लस 34500 एच माइनस ओ बाय 8. ये क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास टोटल अवेलेबल हाइड्रोजन इतनी ही है, प्लस 2240 एस किलो कैलोरीज पर केजी. यहाँ पे जो सी एच एंड ओ एंड एस है वो परसेंटेजेस हैं उनकी रिस्पेक्टिवली, कितने परसेंट प्रेजेंट है उसमें, उस फ्यूल में कितने परसेंट प्रेजेंट है ये. ओके, ये हो गया हमारा, ये हमारी GCV की वैल्यू हो गई, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला. GCV पता है, LCV निकाल सकते हैं. LCV की क्या वैल्यू हो जाएगी? GCV माइनस, अगर परसेंटेज में हाइड्रोजन दिए है हर बार उसी हिसाब से निकाला करो, 0.09 H इंटू 587. GCV पता है, LCV निकल आएगी, किलो कैलोरीज पर KG. ओके, इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही. आप इस GCV, LCV, ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला, वॉर्म कैलोरीमीटर एंड बॉयज कैलोरीमीटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दे रखे हैं वो ज़रूर ट्राई करना. सो अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा. थैंक यू सो मच.